जी गाड़ी चेक करें। ये गाड़ी अगर पाकिस्तान में हो तो इसको साथ में ना कपड़ा मारने वाला भी रखते हैं। और इधर इस गाड़ी की हालत चेक करें। हमारी एक गाड़ी ये भी खड़ी है, इंजन फुल है। बड़े हालात इसके बुरे किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 7:30। वेदर की बात करें तो आज ठंडी हवा चल रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। और आज हम जल्दी खुल गई है और मैंने कहा कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आज जो कि हफ्ता है और जुम्मे और हफ्ते को यहाँ स्कूलों में जो है ना छुट्टी होती है। और अगर जिस दिन स्कूल में छुट्टी ना हो तो यहाँ पे लगता है ममनू, जिसे बोलते हैं नो एंट्री, यानी कि टाइम होता है सुबह 6 से 9 बजे तक जो है ना बड़ी गाड़ी एंटर नहीं हो सकती। तो इस वजह से जल्दी ना जाने की पहली वजह ये है। आज जो हफ्ता है जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी होती है, तो इसलिए जो है ना आँख खुल गई जल्दी। और मैंने कहा चलते हैं, आज ममनू भी नहीं है तो चलते हैं। फिर चलो शुरू करते हैं, फिर अभी चलते हैं गाड़ी लोड करते हैं। रोशदारी की बात करने जाएं तो ये कुत्ते को देख रहे हैं, ये डेली हमारे साथ जाता है और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर तक जाता है और छोड़ के वापस आता है हमें। Two hours later. जी अभी पहुंचा है मसने में और निशान के ऊपर ये गाड़ी खड़ी है सीमेंट वाली, इसका वजन हो रहा है। और उसके बाद निकले तो अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं निशान पे, वजन कराते हैं और फिर गाड़ी खाली करते हैं। ये जी तकरीबन ये गाड़ी निकल गई, चलते हैं आप। लो जी ट्रिप खाली करके तो वापस आ गए रूम के पास और अभी चलते हैं रूम में। इसके बाद क्या करना है कि पूरा आज का जो दिन है गुजरेगा, यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे, उसके बाद का जो टाइम गुजरेगा अभी पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।